हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास थर्ड के टुगेदर विद मॉरल वैल्यूज़ का यूनिट ट्वेल्व रिपेंटेंस पढ़ेंगे इस चैप्टर का हम हिंदी में लाइन टू तो लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे चैप्टर का चेस्ट समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जमाल इज़ वेरी एक्टिव फॉर ही कैन नॉट कीप फॉर इवन फॉर अ मिनट जमाल एक बहुत एक्टिव लड़का है और वो एक मिनट भी चुपचाप नहीं बैठ सकता वेन ही गोज टू दी स्कूल इन द मॉर्निंग ही डज नॉट वॉक ही ऑलवेज रनस अलॉन्ग दी कॉरिडोर जब भी जमाल स्कूल जाता है वो कभी भी वॉक करते हुए नहीं जाता वो स्कूल के कॉरिडोर में दौड़ते हुए भागते हुए जाता है One day he ran into हिज क्लास टीचर मिस्टर देव एक दिन जब वो दौड़ रहा था तो उसकी टक्कर अचानक से मिस्टर देव से हो गई जो उनके क्लास टीचर थे जमाल हिटिंग फ्रॉम बिहाइंड जमाल ने उनको पीछे से टक्कर मार दी मिस्टर देव ऑलमोस्ट हिज बैलेंस मिस्टर देव का अप, खुद का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग लगभग बैलेंस बिगड़ चुका था जमाल सेट आई एम सॉरी एंड रैन टू हिज क्लास जमाल ने उनसे माफी मांगी सॉरी बोला और अपनी क्लास में दौड़ते हुए चला गया अ फ्यू डेज लेटर मिस्टर देव एंड मिस्टर जोसेफ वर्क कमिंग फ्रॉम देयर क्लास रूम्स कुछ दिनों बाद मिस्टर देव और मिस्टर जोसेफ जो थे अपनी अपनी क्लास रूम से बाहर आ रहे

आई एम सॉरी एंड रन टू हिज क्लास और वो सॉरी बोलकर अपनी क्लास में भागते हुए चला गया अ फ्यू डेज पास दिन कुछ दिन बीत गए जमाल वॉज रनिंग अलॉन्ग द गैलरी टू रीच द लाइब्रेरी अब इस बार जमाल दौड़ रहा था गैलरी में लाइब्रेरी जाने के लिए ही डिड नॉट सी मिस्टर देव कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी उसने देखा है कि नहीं कि मिस्टर देव जो है वो लाइब्रेरी से बाहर आ रहे थे ही बम डिंग टू मिस्टर देव मेकिंग हिम ड्रॉप ऑल द बुक्स ही हेल्ड इन हिज हैंड्स अब जो ये जमाल था वो अचानक से मिस्टर देव से जाके टकरा गया बम्प का मतलब उनसे जाके भिड़ गया टकरा गया और मिस्टर देव की सारी किताबें ज़मीन पर गिर गईं मिस्टर देव लुक्ड एग्रीव फॉर अ मोमेंट अब उनको थोड़ा सा गुस्सा तो आया ही रिकलेक्टेड हिमसेल्फ उन्होंने अपने आप को संभाला जमाल फेल्ट फेल्टेम अब जमाल को फिर से अपने ऊपर शर्मिंदगी सी महसूस हुई इट इज़ टाइम ही हैज़ कॉट इन मिस्टर देवस प्रेजेंस अब ये तीसरी बार हुआ था जब मिस्टर देव ने जमाल को इस तरह से भागते दौड़ते हुए देखा था लोगों से टकराते हुए देखा था थाड मीकली आई एम सॉरी उसने चुपचाप सॉरी बोल दिया मीकली का मतलब हुआ चुपचाप तो जमाल, जमाल ने इस बार भी सॉरी का ही जवाब दिया मिस्टर से आई एम सॉरी मिस्टर देव ने पूछा कि तुम ये हमेशा क्यों बोलते हो कि मैं सॉरी हूं मैं सॉरी हूं जमाल रिप्लाइड माय फादर हैज टोल्ड मी दैट एवर आई डू समथिंग रॉन्ग आई शुड से सॉरी जमाल कहता है कि मेरे फादर ने मुझे कहा है कि जब भी मैं कोई गलत काम करूं तो मुझे हमेशा सॉरी बोलना चाहिए सो यू विल हर्ट मी हिट मी 100 टाइम्स एंड से सॉरी 100 टाइम्स मिस्टर देव क्विप्ड अब मिस्टर देव जो है अचानक से दोबारा से बोलते हैं अच्छा तो तुम मुझे सौ बार टक्कर मारोगे सौ बार में से टकराओगे और सौ बारोलोगे एवरी वन स्टैंडिंग नियर लाफ्ट जो भी आसपास खड़े थे वो सब इस बात को सुनकर हंसने लगे जमाल कुड नॉट अंडरस्टैंड मिस्टर देव वॉट मिस्टर देव सेट अब जमाल को समझ ही नहीं आया कि मिस्टर देव जो है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं द टीचर एक्सप्लेन फॉर द माई डियर जमाल यू रियलाइज यू डिड समथिंग रॉन्ग वेन यू हिट मी द फर्स्ट टाइम टीचर कहते हैं जमाल देखो मैं तुम्हें अच्छे समझाता हूँ जमाल जब तुमने मुझे पहली बार धक्का टक्कर मारी तो तुम्हें पता था कि कुछ तो गलत हुआ है है ना देन यू शुड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन अगर तुम्हें पता था कि तुमने मुझे पहली बार टक्कर मारी तुमको वो मिस्टेक दोबारा से करनी नहीं चाहिए यू शुड शुडेंट रिपें, रिपेंट एंड रिजॉल्व नॉट टू डू द सेम थिंग अगेन तुमको वो जो तुमने किया धक्का मारा या टक्कर मारी किसी को भी ऐसे भागते दौड़ते तो उसका तुम्हें पछतावा होना चाहिए रिपेंट होना चाहिए यानी पछतावा होना चाहिए और जो भी तुमने गलती करी उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और आगे वो चीज़ ना कभी हो तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए वेन यू से सॉरी यू डू नॉट रिपेंट जब तुम सॉरी बोल दोगे, तो तुम्हें पछतावा ही नहीं होगा क्यों? क्योंकि क्यों? क्यों तुमने तो माफी मांग ली है ना यू ओनली से इट बाई हैबिट अब ये जो बात तुम बार बार सॉरी बोलोगे ये तुम्हारी आउट ऑफ हैबिट निकलेगा कि ओहो हो मैंने किसी को पक्का मार दी मुझे सॉरी बोल देना चाहिए है ना तो जमाल के केस में भी यही हो रहा था सो वेन यू से सॉरी यू डोंट मीन इट यानी कि जब जब तुम सॉरी बोलोगे तुम दिल से नहीं बोलोगे क्योंकि अब तो तुम्हारी हैबिट में आ चुका है है ना हम लोगों की भी हैबिट में आ जाता है सॉरी बोल देना फिर बात खत्म हो जाती है तो ये चीज़ अच्छी आदत नहीं होती अगर हमसे कोई गलती हुई है तो सॉरी बोलकर उस गलती को सुधारने की कोशिश करी जाती है ना कि उस गलती को बार बार रिपीट करने की कोशिश करी जाती है जमाल रियलाइलाइज हिस मिस्टेक ही देन सेड आई एम रियली सॉरी नाउ आई विल भी केयरफुल वाइल आई वॉक आई प्रामिस नॉट टू हट एनी वन अब जमाल जो था उसको असली में अपनी मिस्टेक समझ में आ चुकी थी और उसने बोला कि मैं आज मैं सच में सॉरी फील कर रहा हूँ और मैं आगे से जब भी कभी वॉक करूंगा तो मैं बहुत केयरफुल रहूँगा कि मैं किसी को भी कभी धक्का ना मारूँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी किसी को हिट नहीं करूँगा इफ यू फील सॉरी फॉर अस्टेक अवॉइड टू कमिटिट अगैन यानी इस चैप्टर के मॉरल क्या है कि अगर आप कभी किसी चीज़ को सोच लेकर सॉरी फील करते हैं किसी मिस्टेक को सोचकर तो उस मिस्टेक को अवॉइड करो कि वो मिस्टेक कभी हमारी लाइफ में दोबारा हो ही ना है ना स्टूडेंट्स तो आज से आप लोगों अगर कोई भी गलती करते हैं तो उसका सॉरी फील करिए और उसके बाद उसको दोबारा ना रिपीट करने की कोशिश करिए चलो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैप्टर को लाइक like अब uh, मेरी वीडियो को लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करो थैंक यू